प्रदेश की आतंकवाद विरोधी दस्ता ने आजमगढ़ से आईएसआईएस से प्रभावित संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया है। सबाउद्दीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो अपने साथियों के जरिए आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। इसके साथ ही आईएसआईएस से और युवाओं को जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। सबाउद्दीन से पूछताछ में सामने आया है कि आईएसआईएस जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर रही है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ALSAQR मीडिया बनाया गया है। सबाउद्दीन इसी से जुड़ा था। सबाउद्दीन AIMIM का सदस्य भी है। पहले ये बिलाल नाम के व्यक्ति से फेसबुक पर जुड़ा। बिलाल से सबाउद्दीन जिहाद और कश्मीर में मुस्लिमों पर हो रही कार्रवाई के बारे में बात किया करता था। बिलाल ने मूसा उर्फ खिताब कश्मीरी का नंबर बिलाल को दिया। मूसा ISIS का सदस्य है। फिर मूसा ने ISIS के अबू बकर अल शमी का नंबर सबाउद्दीन को दिया, जो कि अभी सीरिया में है। इसके संपर्क में आने के बाद मुजाहिदों पर हो रही कार्रवाई का बदला लेने के लिए भारत में भी इस्लामिक संगठन बनाने और LED बनाने के संबंध में जानकारी ली। सलाउद्दीन को ID बनाने की विधि और बाकी सामग्री बनाने का तरीका शामी ने सबाउद्दीन को बताया और शामी ने ही फोन पर ISIS के रिक्रूटर अबू उमर, जो कि मुर्तानिया का रहने वाला है, सबाउद्दीन का परिचय करवाया। अबू उमर ने सोशल मीडिया के जरिए LED बम और IED बनाने की ट्रेनिंग सबाउद्दीन को दी। ये दोनों मिलकर मुजाहिदीन संगठन तैयार कर भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने, भारत में इस्लामी हुकूमत शरिया कानून लागू करने की योजना पर काम करने लगे। सबाउद्दीन ने RSS के सदस्यों को टारगेट के लिए ईमेल ID बनाया और फिर फेसबुक अकाउंट खोला और इन नेताओं को टारगेट करने की योजना पर काम करने लगा। सबाउद्दीन आजमी उर्फ सबाहुद्दीन उर्फ सबाहू उर्फ दिलावर खान उर्फ बैरम खान उर्फ आजार पुत्र जफर आजम के पास से अवैध शस्त्र 315 बोर, एक कारतूस 315 बोर, सोल्डिंग आयरन, PVC वायरिंग, सफ़ेद कलर की लीड, वायर कटर सहित बम बनाने संबंधी जरूरी चीज़ें बरामद हुई हैं।